हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस मोहित बिंद। तो आज हम बात करेंगे पावर बैंक के बारे में। आप लोग को भी पता होगा, कहीं सफर में आप जाते हैं तो आपका पावर बैंक कितना नेसेसरी हो जाता है। अभी तो मान लीजिए फिलहाल ऐसी बहुत सारी मोबाइल आ गई है, फिर भी उसमें बहुत ज्यादा पावर दिए रहते हैं, बहुत ज्यादा कैपेसिटी रहती है, लेकिन फिर भी कितना भी चला रहे, लेकिन एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड ही होता है। तो हमें सफर में जाने से पहले दोस्तों हमें पावर बैंक की आवश्यकता तो पड़ी जाती है। और दूसरे, ठंड का मौसम चालू हो गया है तो बहुत लोग को ऐसे होते हैं जिनके बेड के पास ही बोर्ड होता है, तो उनका तो काम ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बिस्तर में कंबल में घुस के मोबाइल चलाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ठंड के मौसम में उनके लिए पावर बैंक रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आराम से कंबल के अंदर ही पावर बैंक से कनेक्ट करके इजिली तरीके से आप घंटों, 2 घंटों, 4 घंटों, जितनी हो सके आप अपने मोबाइल को चला सके। तो आज मैं पावर बैंक के बारे में ही बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक अच्छा पावर बैंक खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या क्या फंक्शन मिलेंगे, तो आपको मतलब मान लेना चाहिए कि एक अच्छा पावर बैंक है। पावर बैंक की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले उसको नापने की इकाई पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि मोबाइल में भी बात करें अगर बैटरी की, पावर की, तो उसमें भी एमएएच जैसी मात्रक की इकाई में नापा जाता है। तो एमएएच की बात करें दोस्तों, तो एमएएच का फुल फॉर्म होता है मिली एम आवर्स, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब, सिंपल से ये मतलब होता है कि जितने अधिक एमएच की पावर की बैटरी रहेगी उतना अधिक कैपेसिटी और उतना बढ़िया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी दोस्तों आपको ही पता हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पावर बैंक हो, चाहे आप कोई भी सामान अगर मार्केट से खरीदते हैं, तो सबसे पहली नजर आपकी बिल्ड क्वालिटी पे भी होती है कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और बात भी सही है दोस्तों, किसी चीज को कितनी मजबूत है, किस मेटल से बनी है, ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही आप कोई चीज खरीदते हैं। तो पावर बैंक जैसा चीज खरीदने से पहले भी आप बिल्ड क्वालिटी का जरूर ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो डिस्प्ले पैनल आपको ही पता होगा, जैसे कोई मोबाइल है, मोबाइल में क्या है, जैसे हमें कैसे पता चलता है मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, अगर उसमें से बैटरी का परसेंटेज हटा दिया जाए या फिर बैटरी शो ही ना करे कितना मोबाइल में बैटरी बचा है, तो पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों उसी तरह पावर बैंक में दूसरा ऐसा पावर बैंक लेना चाहिए जिसमें कि मतलब आपको पता चलती रहे कि इसमें कितनी परसेंट बैटरी बची है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करो दोस्तों, तो क्षमता, जैसे कि मैंने पहले बताया पावर बैंक का मतलब ही क्या है, जिसमें अधिक क्षमता ना हो। तो क्षमता दोस्तों आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नॉर्मली आपकी मोबाइल अगर 3-4 हजार एमएच पावर की है, तो मतलब कोई भी पावर बैंक ऐसा लीजिए कि आपकी मोबाइल की जितनी भी बैटरी हो उसको कम से कम दो, तो कम से कम 2 बार तो चार्ज कर ही ले, और अधिकतम 3 बार 4 बार अगर चार्ज कर देता है तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। नॉर्मली अगर आपके मोबाइल मान लीजिए 4 या 5 हजार एमएच की पावर की बैटरी की है, तो अब मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि मतलब कोई भी पावर बैंक आप ले, तो नॉर्मल अगर आप नॉर्मल सिर्फ मोबाइल यूज करने के लिए रहे हैं, तब तो मान लीजिए 10 हजार एमएच से भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल भी चार्ज करते हैं, बड्स चार्ज करते हैं, और सारे गैजेट आजकल हो गए स्मार्ट, बहुत तरह तरह के गैजेट आ गए हैं जिन्हें आप यूज करते हैं, तो अगर सबको चार्ज करना है दोस्तों, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 20 हजार एमएच पावर से नीचे का पावर बैंक मत लीजिएगा। अगले पॉइंट की बात किया जाए तो पावर डिलीवरी दोस्तों, इसका भी ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि आजकल फास्ट चार्जिंग का जमाना है, तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें कम से कम 2 सॉकेट तो होने चाहिए, और 2 सॉकेट में से एक सॉकेट कम से कम 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करना चाहिए, ताकि मतलब आपका स्लो वाला भी काम हो जाए और फास्ट वाला भी काम हो जाए। और अगर चार्जिंग की बात कर ही रहा हूँ दोस्तों, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल हर चीज में फास्ट चार्जिंग आ गई है, तो हो सके तो ज्यादा बेटर यही होगा कि मतलब ऐसे कि पावर बैंक तो ठीक है, फास्ट चार्जिंग मोबाइल को आपको कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसा भी फंक्शन मिल जाए कि पावर बैंक को भी चार्ज करना पड़े तो वो भी फास्ट चार्जिंग हो जाए, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अगले पॉइंट की बात किया जाए दोस्तों, तो स्टैंड बाई टाइम, ठीक है, आप इसका भी ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है मतलब कि आप इसका मतलब नॉर्मल लोगों के बारे में पता नहीं रहता है, तब कोई भी पावर बैंक लेके चले जाते हैं, तो दोस्तों इस फंक्शन का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप मान लीजिए एक बार आप चार्जिंग लगा के रख दिए पावर बैंक, मेरा पावर बैंक तो फुल चार्जिंग है, और हफ्तों बाद आपको कहीं जाना पड़ा, निकालना पड़ा, तो आपका पावर बैंक खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पहले मुझे ही पावर दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें पावर दूंगा। तो आपका पावर बैंक जितना स्टैंड बाई टाइम का रहेगा उतना ही बेटर रहेगा, ताकि एक बार आप चार्जिंग करके रख दें तो वो उसका पावर को मतलब कैप्चर करके रखे रहे। अगले पॉइंट की बात किया जाए दोस्तों, तो लोड डिटेक्शन, ठीक है। होता क्या है कि जैसे एक बार आप चार्जिंग में पावर बैंक में लगा के मान लीजिए अपने मोबाइल को आप काम करने लगे, आपके मोबाइल मान लीजिए 100% चार्ज होगी, उसके बाद भी आपका चार्जिंग चालू है, तो उससे क्या होता है कि मोबाइल तो खराब होती है, मतलब पावर बैंक भी खराब, मतलब सब कुछ, बाकी आपकी बैटरी भी फालतू इन्वेस्ट हो रही है। तो मतलब लोड डिटेक्शन का मतलब यही होता है दोस्तों कि मतलब उसमें ऐसा फंक्शन दिया रहता है कि आपका मोबाइल अगर 100% चार्ज हो जाती है तो उसमें ऑटो कट हो जाता है, ऑटोमेटिक पावर वहीं पर रुक जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा पावर बैंक लेने से पहले। अगले पॉइंट की बात किया जाए दोस्तों, तो
चार्जिंग पोर्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि कम से कम दो तो होने चाहिए, जिसमें कि मतलब एक नॉर्मल और एक फास्ट चार्जिंग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आजकल टाइप सी का भी जमाना हो गया है, तो आप पावर बैंक में जितने अधिक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। एक यूएसबी हो गया, मान लीजिए माइक्रो यूएसबी, एक टाइप सी हो गया, मतलब और भी आते हैं टाइप बी है, मतलब जो भी आपको मिल जाए, जितना अधिक से अधिक मिल जाए ज्यादा बेटर है, नहीं तो कम से कम माइक्रो यूएसबी और टाइप सी पोर्ट तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनली मेन पॉइंट की, जो कि सबसे मेन पॉइंट मायने रखता है किसी भी सामान के लिए। आप कोई भी वस्तु अगर मार्केट खरीदते हैं तो सबसे मेन पॉइंट आपका यही होना चाहिए, ब्रांड। दोस्तों आप मोबाइल खरीदते हैं तो भी किसी न किसी ब्रांड का खरीदते होंगे, जो आपको पसंद लगता होगा, चाहे मार्केट में जो लोग बताते होंगे बहुत बढ़िया है। दूसरी तरफ पावर बैंक का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेन पॉइंट ये होता है खरीदने से पहले आप उसको जरूर देख लीजिएगा किस ब्रांड का खरीद रहे हैं, भरोसेमंद ब्रांड का भी खरीदिएगा, क्योंकि पावर बैंक है दोस्तों, हो सकता है कभी आपको कुछ उसमें फॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए तो ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल वोबाइल जितने भी मतलब यहाँ तक कि कान में लगने वाले एयरबड्स भी फट जा रहे हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ब्रांड जरूर देख के खरीदेगा, कोई भी बढ़िया ब्रांड का ही पावर बैंक खरीदिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें उम्मीद होगा कि आप पावर बैंक खरीदने से पहले इन सब बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।